हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट वन ऑफ द पार्ट ऑफ आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमें पता है हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, जो हमारी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, वो दो सिस्टम्स कंट्रोल करते हैं, जिसमें से एक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है वो फर्दर दो पार्ट्स में कन्वर्ट डिवाइड किया जा सकता है। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो हम बेसिकली बात करेंगे स्पाइनल कोड, जो कि पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। स्पाइनल कोड को हम स्पाइन भी बोलते हैं। स्पाइनल कोड क्या होती है, बेसिकली हम भी जानते हैं, जो हमारा वर्टिबल कॉलम है बैक पर, ठीक है, जो हमारे डोर्सल साइड पर वर्टिबल कॉलम है, वो स्पाइनल कोड को, स्पाइन को क्या है, प्रोटेक्ट करता है, जो कि पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो अराइज होता है फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन के भी पर्टिकुलर मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, जो स्टेम बनाता है ब्रेन का, उससे ही अराइज होती है स्पाइनल कोड। तो इसको एक बार बेसिकली डायग्राम बना लेते हैं, उससे देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरा डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पर। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेसिकली दो पार्ट्स का बना हुआ है, वन इज ब्रेन और अदर हमारा क्या होता है, स्पाइनल कोड। तो उसी के बारे में बात करेंगे हम स्पाइनल कोड के। यहाँ से, यहाँ पर जो ये रीजन है जहाँ से स्पाइनल कोड बनती है, उसे हमने बोला है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। यहाँ से अराइज होगी हमारी क्या, स्पाइनल कोड। तो स्टार्ट करते हैं कि इसका हमने देख लिया ये कैसे प्रेजेंट है। अभी से स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में एंड ऑल अदर थिंग्स अबाउट स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड हमें यहाँ से स्ट्रक्चर से जैसा जैसा दिख रहा है पहले वो मेंशन कर लेते हैं। ये है एक रोल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्टली क्या है इसका पॉइंट हमारे पास, दैट इट इज अ रोल लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट है मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा है जो ब्रेन का, वहां से एक्सटेंड हो रही है। तो ब्रेन से कैसे अटैच है, बाय दी मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, ठीक है। जो हमारे पास स्पाइनल कोड है, इससे भी क्या है, काफी टाइप की नर्व्स निकलती हैं, उन नर्व्स को हमने बोला है स्पाइनल नर्व्स। ये जो नर्व्स हैं वो कितनी होती हैं, ये होती हैं अबाउट 31 पेयर्स। तो इस टाइप से हमारे पास क्या है, ये दोनों पार्ट हैं, वो कुछ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब इसके क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, स्पाइनल कोड के अंदर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, किस टाइप की नर्व्स हैं जो इसे निकलती हैं, वो भी हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो एक डायग्राम और ड्रॉ करते हैं स्पाइनल कोड के क्रॉस सेक्शन का। तो ये है क्रॉस सेक्शन हमारे पास किसका है, स्पाइनल कोड का। अब इसका देखेंगे कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसके इसी डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये डायग्राम आपने अभी तक नहीं देखा है, तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में इन रिफ्लेक्स सेक्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए abhyasonline.in पर, वहाँ जाकर कंटेंट भी अवेलेबल है उन रिफ्लेक्स सेक्शन, कैसे स्पाइनल कोड है वो पार्टिसिपेट करती है रिफ्लेक्स सेक्शन पर, उसके बारे में अगर आपने नहीं देखा तो जाइए और अभी देखिए। आफ्टर दैट हमारे पास आता है कि रूल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम द मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा। अब हमने इसका क्रॉस सेक्शन किया है, मतलब कि हमने क्या है, स्पाइनल कोड को कुछ इस तरीके से काट दिया और उसे अब हम देख रहे हैं, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन में हम इसके पार्ट्स देखेंगे, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जो सबसे मेन पार्ट है वो होता है इसके अंदर, ये होती है एक सेंट्रल कैनाल। स्पाइनल कोड के अंदर, ये हमारी स्पाइनल कोड है, जो बाहर से हमें आउटर कवरिंग जो स्पाइनल कोड की है वो है, और इसके अंदर जब हमने क्रॉस सेक्शन में देखा, एक सेंट्रल कैनाल दिखती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट है एक सेंट्रल कैनाल, ये हम यहीं पे मेंशन करते हैं, ठीक है। सेंट्रल हमारे पास क्या है, केनाल प्रेजेंट है। ये जो केनाल है वो फिल्ड होती है विद अ टाइप ऑफ अ फ्लूइड, जो कि प्रेजेंट होता है ब्रेन में भी और स्पाइनल कोड में भी, जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम यहां मेंशन कर देते हैं। तो एक टाइप का फ्लूइड मिलेगा हमें सेंट्रल कैनाल रीजन में, इसको हमने बोला है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं उस फ्लूइड को हम। ये जो फ्लूइड है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कोई भी फ्लूइड है उसका मेन फंक्शन होगा कि लुब्रिकेशन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, फर्स्टली किसी भी टाइप के शॉक से, किसी भी टाइप के इंजरी से,
ये स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, तो ब्रेन को भी। प्लस ये जो फ्लूइड है ये एक न्यूट्रिटिव नेचर का होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा इन ऑर्गन्स को, प्लस जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा उसे रिमूव करने में भी हेल्प करता है। तो हमारे पास क्या है, एक सेंट्रल कैनाल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आफ्टर दैट हम इसके स्ट्रक्चर पे अगर देखते हैं तो ये जो एरिया मैंने बनाया है बटरफ्लाई शेप्ड, और उसके बाहर दो एरियाज में है, हम स्पाइनल कॉर्ड को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो अंदर वाला एरिया है उसे हम बोलते हैं ग्रे मैटर, ठीक है, और जो बाहर वाला एरिया है उसे हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। जो ग्रे मैटर है वो बेसिकली क्या होता है, हमें पता है कि जो नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है न्यूरॉन्स का। जो स्पाइनल कॉर्ड में है जो न्यूरॉन्स हैं प्रेजेंट होते हैं अराउंड द सेंट्रल कैनाल, उनके अंदर जो मेन बॉडी प्रेजेंट होती है, जो मैक्सिमम पार्ट है उस न्यूरॉन का, वो जो सेल बॉडीज हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं इस एरिया में, ठीक है। तो मेनली क्या है, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है यहाँ पर काफी सारी मिलती हैं, उसे हमने बोला है ग्रे मैटर। सो सेल बॉडी ठीक है, मेनली ग्रे मैटर के एरिया में क्या है, सेंट्रल कैनाल के अराउंड क्या है, सेल बॉडीज है वो ज्यादा इस एरिया में प्रेजेंट होती है, और व्हाइट मैटर कंसिस्ट होता है बाय दी एक्सोन। सो जो हमारे पास न्यूरोन है उसका एक्सोन पार्ट है वो हमें इस एरिया में मिलता है व्हाइट मैटर के एरिया में, तो उसे हमने बोल दिया है व्हाइट मैटर, जहां पर हमें क्या है न्यूरोन्स का एक्सोन पार्ट है वो ज्यादा यहाँ पर मिलता है, ठीक है। सो ये हमारे पास पार्ट हो जाते हैं ग्रे मैटर, एंड आफ्टर दैट मेरे हमारे पास हो जाता है व्हाइट मैटर। ये दो पार्ट हो जाते हैं, हमने सेंटर कैनाल पढ़ लिया और उससे डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं कि किस किस टाइप की नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से निकलती हैं, वो भी हम इसी डायग्राम से समझेंगे। जैसे कि हमने रिफ्लेक्स एक्शन में देखा था कि रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली क्या था, हमने कहा था एक टाइप का रिएक्शन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के ही लेवल पर ही कंट्रोल हो जाता है, ब्रेन तक उसके सिग्नल नहीं जाते। उसके लिए हमने देखा था दो टाइप की नर्व्स ये रखते हैं, तो इनके पास दो टाइप की नर्व्स प्रेजेंट होती है बेसिकली स्पाइन से, दो टाइप की रूट्स हम कह सकते हैं, रूट नर्व्स निकलती हैं। जो डोर्सल साइड है मतलब डोर्सल हमारी जो डोर्सल साइड है, ठीक है, और हमारी ये वेंट्रल फ्रंट साइड है वो वेंट्रल साइड है, जो बैक साइड है वो डोर्सल साइड है। तो जो डोर्सल साइड पे है स्पाइनल कॉर्ड की रोड पे, वो जो है वो होती है सेंसरी नर्व्स, यहाँ से निकलती है सेंसरी नर्व्स। ठीक है, और जो इनके फ्रंट साइड पे होती है ये वाली जो नर्व्स है इन्हें मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, इन्हें हम बोलते हैं मोटर नर्व्स। तो हमारे पास मोटर नर्व्स आ जाती हैं, प्लस हमारे पास आ जाती हैं सेंसरी नर्व्स। अब ये सेंसरी नर्व्स हैं ये क्या करेंगी, नाम इंडिकेट करता है, ये सेंस ऑर्गन से सिग्नल लेकर आएंगी। ऑन दी अदर हैंड जो मोटर नर्व्स हैं वो सेंस ऑर्गन के सिग्नल से किस टाइप से बॉडी को रिस्पॉन्स करना चाहिए उसका सिग्नल भेजते हैं टू द डिफरेंट मसल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो मसल्स हैं उस हिसाब से क्या है रिएक्शन शो करते हैं टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर अबाउट स्पाइनल कॉर्ड जो हमने यहाँ डायग्राम से समझ लिया, और कैसे स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा है, स्पाइनल कॉर्ड है वो पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो कि एक रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको प्रोटेक्ट करता है एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम है वो बेसिक स्पाइनल कॉर्ड को ही प्रोटेक्ट करता है, सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है स्कल। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे डिफरेंट टाइप की नर्व्स निकलती है जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, देयर अबाउट 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। आफ्टर दैट हमारे पास था, हमने इसका क्रॉस सेक्शन देखा कि इसका बेसिकली अंदर से स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमने क्रॉस सेक्शन में क्या देखा कि एक सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड में, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसके पर्टिकुलर फंक्शन है प्रोटेक्टिव, न्यूट्रिटिव और वेस्ट रिमूवल। तो ये यहाँ प्रेजेंट होता है, प्लस ये फ्लूइड है वो ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। हमने इसके क्या देखा कि स्पाइनल का जो रीजन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक थोड़ा ग्रे कलर्ड है एक है व्हाइट कलर्ड रीजन। जो ग्रे कलर्ड रीजन है वहाँ पर ये देखा गया कि न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है, इस वजह से उनका ग्रे कलर होता है, और जो बाहर व्हाइट मैटर है उनके अंदर यहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होती है एक्सोन्स, न्यूरॉन्स के एक्सोन। अगर आपने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर अभी तक नहीं देखा है, नर्व सेल नहीं देखा है, तो उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं abhyasonline.in पर, वहाँ जाकर वो वीडियो देखिए, आपको प्रॉपरली समझ आएगा कि सेल बॉडी क्या है, एक्सोन क्या है, डेंड्राइट्स क्या है, सिनेप्टिक नर्व्स क्या है, एवरीथिंग। तो यहाँ पर ग्रे मैटर हो जाता है जिसके अंदर क्या है सेल बॉडीज प्रेजेंट है, ऑन दी अदर हैंड बाहर वाला जो मैटर है उसके अंदर एक्सोन्स प्रेजेंट है उसे हमने व्हाइट मैटर बोला हुआ है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे दो टाइप की नर्व्स निकलती है, ठीक है, इन्हें हम रूट नर्व्स भी बोलते हैं। ये नर्व्स है एक निकलती है डोर्सल साइड से, एक निकलती है वेंट्रल साइड से। जो डोर्सल साइड से निकलती हैं वो होती है सेंसरी नर्व्स, मतलब कि क्या है सिग्नल्स लेकर आएंगे फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से आएंगे, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को क्या है डिटेक्ट करेंगे और सेंसरी सिग्नल्स के थ्रू क्या है यहाँ पर सिग्नल्स आएंगे। ये सिग्नल्स हैं वो क्या है अब डिफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू क्या है ट्रांसफर होंगे टू द मोटर, और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू एक पर्टिकुलर मसल्स पर जाकर बॉडी के काम करेंगे मोटर न्यूरॉन्स, और वी कैन से मोटर नर्व्स,
और वहाँ पर क्या है उसके किसी भी स्टिमुलाई के हिसाब से एक्शन है जो बॉडी को क्या करना चाहिए वो यहाँ से क्या है कंट्रोल किया जाता है बाय द मोटर नर्व्स। तो ये है बेसिकली स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर। अब ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स हैं साइंस के जिन पर आपको डाउट हो सकते हैं, ठीक है, जिनको आपके स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते आप उन कंसेप्ट को, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए आप विजिट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं abhyasonline.in पर। वहाँ जाकर आपको हर कंसेप्ट के ऊपर प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल है, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए उन वीडियोज़ को देखकर। आफ्टर दैट हर कंसेप्ट के ऊपर आपको टेस्ट अवेलेबल है, उन टेस्ट को देखकर देखिए कि आपको कितना टॉपिक है, पर्टिकुलर कंसेप्ट है, वो समझ आया है या नहीं आया है। आपको वहाँ पर पर्टिकुलरली अपने वीक एरियाज भी मिल जाएंगे, तो आपको कोई अपनी तरफ से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि कहाँ पर आप वीक रह गए हैं। आपको वीक एरियाज वहाँ पर अवेलेबल होंगे बाय एनालिसिस। उन वीक एरियाज पर अगर आप काम कर लेते हैं स्पेसिफिकली, तो आप क्या है एक तो टाइम बचा लेते हैं, एंड उसके बाद अगर वीक एरियाज आपके टैकल हो जाते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिशन में आप बहुत अच्छे से आराम से स्कोर कर सकते हैं। सो अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, अभी रजिस्टर कीजिए हमारे वेब पोर्टल पर, विच इज़ abhyasonline.in।